सुबह सुबह हो गया है ब्रश करने का टाइम, ब्रश वश ढूंढते हैं कहाँ रखा है, और आज नहाना भी है मुझे क्योंकि मैं कल नहीं नहाया था। कुछ लोग आज गंगा स्नान जाएंगे क्योंकि मकर संक्रांति भाई और खिचड़ी, या बहुत लोग जो मकर संक्रांति बोलते हैं इस त्योहार को, तो सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और खिचड़ी आप लोग अच्छे से खाओ, छाछ के साथ खाओ, नींबू के साथ खाओ या घी के साथ खाओ। तो भैया ये दूध भी आ गया है, दूध कहाँ रखें, इसको पीछे रखना पड़ेगा, बिल्ली की पहुंच से दूर रखें। यार खिचड़ी बनाने की तैयारियां चल रही हैं एकदम जोरों शोरों से। थोड़ा चावल वावल धुलते हैं, इधर दाल रखी है इसको भी धुलते हैं, कुकर रखा है, फिर दोनों को धुल के नमक वमक डाल के बढ़िया से फिर बनाते हैं। और खिचड़ी के त्यौहार के दिन मस्त खिचड़ी खाते हैं। अभी इसको थोड़ा धुलना पड़ेगा अच्छे से, इसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा है, साफ हो जाए। चावल और दाल दोनों बढ़िया धुल लिए हैं, गैस बहुत देर से नहीं चल रही थी, अभी फाइनली चली, माचिस से लाइटर ख़राब हो गया, तो इसमें थोड़ा नमक वमक डालते हैं, उसके बाद रखते हैं पके खिचड़ी, उसके पकने के बाद फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो इसको यार अब रख दिए हैं, आराम से गैस जल रही है, चले हम भी नहा वहा ले, सोच रहे हैं जल्दी से। के 8:30 बज रहे हैं लगभग, और मैं कल भी नहीं नहाया था, सोच रहा हूँ आज बढ़िया त्यौहार है तो आज जाके मस्त एकदम नहा वहा ले। खिचड़ी ऊपर आराम से पक रही है और पापा का बस दुकान जाने की तैयारी, अब जूते वगैरह पहन रहे हैं, खिचड़ी उचड़ी खा के फिर दुकान के लिए निकलेंगे। भाई जब हमारी खिचड़ी पक गई है और गर्मा गर्म पापा निकाल रहे हैं, अब खा के बताएंगे, नमक ज़्यादा तो नहीं है, बस नमक का ही डर है, बाकी तो बढ़िया बना है, दिखने में तो लग रहा है पकी हुई है। तो ये है घी का डब्बा और अभी हमको निकालना है घी, यही पूरा पूरा ही हम छोड़ दें ना चलो बस। यूज कर। खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी भी लगभग ठीक ठाक बनी है, बहुत माइनर से नमक कम हुआ है, मतलब जो कि निग्लेजिबल है, तो पापा खा के बताएं कि एकदम खिचड़ी बढ़िया है। अभी गाइज हमने क्या किया कि ये ट्रिमर है ना, बढ़िया से दाढ़ी वाढ़ी काफ़ी बड़ी हो गई थी यार, ख़राब लग रहा, तो मैंने मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या किया बढ़िया से इसको ट्रिम कर दिया, तो अब अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद थोड़ा चाय वाय पीते हैं, नहाते धोते हैं यार, फिर उसके बाद खाना वाना खाना है, खिचड़ी है आज तो भाई। खिचड़ी वाले दिन की सुबह की एकदम गर्मा गर्म चाय, और आज तो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो खिचड़ी उचड़ी हम ही को ही सारा कुछ हम ही को बनाना पड़ा, पापा भी थे, तो धुल उल के चावल वावल बढ़िया से दाल और उसमें नमक वमक डाले, थोड़ा सा नमक कम हो गया यार लेकिन ठीक है। पापा तो अभी खा कर गए, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको कल सोच रहे हैं या आज ही देखते हैं, टाइम मिलता है तो किसी को बुला कर दिखाते हैं डॉक्टर वगैरह को कि क्या प्रॉब्लम है, शायद पेट वगैरह दुख रहा है या पेट में ही कुछ प्रॉब्लम है। यार सुबह से क्या था ना कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो आराम से रेस्ट कर रही थी, तो दोपहर में लग रहा है कि कुछ तबीयत ठीक हो जाएगी तो दोपहर का खाना मम्मी बना सकती हैं। अभी यार दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं, और आज त्यौहार के दिन खाना क्या बनेगा ये भी देखते हैं किचन में। तो ये आलू रखा हुआ है, शायद आलू की कचौड़ियाँ या पराठे कुछ भी बनेंगे, इधर आटा भी रखा हुआ है बड़ी वाली थाली में, तो आटा वाटा सना सब रखा हुआ है, अभी सारी चीज़ें हो रही व्यवस्था, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, सब्जी वगैरह पूड़ी कचौड़ी या पराठे वगैरह, तो जो कुछ बनता है भी थोड़ी देर में बन के रेडी होगा, फिर खाएंगे तब बढ़िया खाएंगे। खाना एकदम बन रहा है जोरों शोर से, क्या क्या बन रहा है इधर देखो, ये पूड़ियाँ तली हुई रखी हैं, कचौड़ी है बहुत सही, आलू की भरी हुई है, और उधर सब्जी रखी हुई है, तो अब हम भी निकालते हैं आराम से। हाँ इसमें आलू गोभी की है सब्जी, और इधर गर्मा गर्म कचौड़ी, और मम्मी बना रही हैं बढ़िया गर्मा गर्म, तो अभी खाते हैं जल्दी से। ठंडी में अगर गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी मिल जाए वो भी त्यौहार के दिन, तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है, और दोपहर का टाइम है तो अभी ये गर्मा गर्म वाला खाना खाते हैं, फिर कुछ और भी काम है तो उसको भी देखना है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं फिर दूसरा काम देखते हैं। आज हमारा राशन लेने जाने का टाइम हो रहा है, ये रहा राशन कार्ड, और ये रही बोरी, ये एक बोरी ये एक बोरी ये है, तो दो बोरी में गेहूं और चावल अगर दोनों मिलेगा तो दोनों लेके आएंगे, राशन कार्ड लेके चल रहे हैं अभी दुकान से, फिर शायद बाइक लेके चलेंगे या साइकिल से ही, देखते हैं क्या है प्लान पूरा। गाइस हम आ गए हैं गांव में राशन लेने के लिए, ये राशन दे रहे हैं, बोलो कि सब आए के राशन ले लो, तेजी से बोलो सब लोग आकर राशन ले लो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म नहीं होगा। तो हमारा राशन इधर नहीं मिलेगा, उधर मिलेगा, इधर काफी ज्यादा भीड़ है तो मैं उधर जा रहा हूँ।
फाइनली हमको राशन मिल गया है। क्या क्या मिला बता रहे हैं बढ़िया से। ये देखो ये वाली बोरी इसमें ज़्यादा है, 12 किलो चावल, और ये वाली बोरी इसमें गेहूँ है, 8 किलो गेहूँ, तो टोटल कितना हुआ 20 किलो। अब इसको सब लेके अच्छे से बाइक पे रखते हैं, बांधते हैं और लेके चलते हैं घर। अरे 12 किलो भी नहीं, इनका 10-10 किलो हमारा रहा तो 8 किलो कहे भी नहीं। तो अभी यार हम राशन लेके घर आ गए हैं और राशन में एक शिकायत ये है कि ये लोग कम दिए हैं, 1/2 किलो गेहूँ कम दिए हैं, 1 किलो चावल कम दिए हैं। और चावल जो है 10-10 किलो दोनों हाफ हाफ मिलता है, इन्होंने चावल ज़्यादा दे दिया है और गेहूँ कम दिया है। क्या भाई ये सब क्या चल रहा है। शाम का वक्त हो गया है तो मैंने जो राशन लाया था मम्मी उसको साफ़ कर रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो क्योंकि आगे 3 और एपिसोड बाकी हैं नेपाल वाले, वहाँ हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं अगर तो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।